तो बॉस तुम लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा। तो कालस्तान बॉस तुम लोग जो भी देख रहे हो तो कुरकुरे का पैकेट खोल दो, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कि आपकी जनता की रैंक क्या है। अरे नंबर दो पे हो आप, तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। तो अभी के टाइम पर तुम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो सब जगह पुनीत 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 सुपरस्टार बिग बॉस चल रहा है। देखकर कुछ बड़े क्रिएटर जैसे लक्ष्य चौधरी और भी बहुत क्रिएटर है, मैं नाम लेते बैठ गया तो पूरी एक कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। इन यूट्यूबर्स वीडियो पॉडकास्ट कर रहा है कारण इन लोगों को व्यूज मिल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्यूज मेरे को भी आती है तो मैं 3-4 वीडियो छाप देता हूँ। लेकिन बॉस बड़ी बात कहाँ से आती है तुम लोगों को पता है? बड़ी बात आता है पुनीत सुपरस्टार की फैन पेज से। तो बॉयस तुम लोग अभी 2-3 वीक से देखे होंगे पुनीत जब से बिग बॉस से आया है तब से इसका फैन पेज एंड मीम पेज में इसका ही वीडियो डाउनलोड करके अपलोड या पोस्ट किया जा रहा है, इसलिए हमारे पुनीत भाई को बैंड प्रमोशन पेड प्रमोशन मिल रहा है। एंड बात करो फॉलोअर्स की, भाई जब बिग बॉस जाने वाला था तब भाई का फॉलोअर्स था 3 लाख और अब 3 मिलियन हो चुका है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो। लेकिन बुरा लगता है इस पॉइंट में जब एमसी इसको छपड़ी बोलता है। समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, कंटेंट नहीं समझती तुम्हारे कंटेंट। तू एलियन के सैल के एमसी स्टार पहले पुराना अपना सॉन्ग देख ले, उसके बाद लाइव कॉन्सर्ट भी, उसके बाद लोगों को बोल क्रिंज साले छपड़ी। तो बस मैं बिग बॉस को मैं 3 पॉइंट में फैलूंगा, मतलब एक्सपोज करूंगा। नंबर 1 पॉइंट है वोटिंग। सलमान भाई ने जब शुरू में बिग बॉस को ऐड दिया था तब बोला था सलमान भाई ने जो पार्टिसिपेंट बिग बॉस में है उस लोगों को वोटिंग के माध्यम से डिसाइड कराया जाएगा कि कौन बाहर निकलना होगा कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि नो वोटिंग करवा के पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाल दी बिग बॉस में, जो जो पार्टिसिपेंट है उनसे वोटिंग करवा के। सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। जनता से ना पूछकर बिग बॉस में जो जो पार्टिसिपेंट है उनसे पूछकर पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकल दे, तो वही बात हो गया, हम ही बोले और हम ही। नंबर 2 पॉइंट है फुकरा इंसान एफटी बिग बॉस ओटीटी 2। मैं इस बार पहली बार बिग बॉस देखने आया था कारण 2 यूट्यूबर हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से बिग बॉस हाउस में आए, इसीलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन जब फुकरा भाई हमारे बिग बॉस में एंट्री करे, सलमान भाई ने जब बोला तब एक चीज देखो, सब लोगों का मुंह दिखा जाता है जबरदस्ती स्माइल कर रहा है। तभी ये न्यूज एंकर अंकल जिसको मैं कभी न्यूज देते नहीं देखा, इनका क्या मस्ता है फुकरा इंसान को देखकर। तभी फुकरान सन को ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर नकली हवा भरा है, बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। लेकिन अंकल मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि उसके अंदर नकली हवा भरा नहीं है, पूरे प्योर हवा भरा है। नंबर 3 पॉइंट है बिग बॉस की हिपोक्रेसी। तो जब से बिग बॉस ओटीटी शुरू हुआ है तब से तुम लोग देखे होंगे बिग बॉस में अभी एक ही यूट्यूबर जो हमारे फुकरा इंसान भाई पुनीत जब से बाहर निकल रहा है तब से हमारा फुकरा भाई अकेला ही बिग बॉस। वापस जो जो टीवी सीरियल्स वाले लोग यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा है, क्या यूट्यूबर ही तो है, क्या कर लेगा मेरा। एंड एक बात मैं टीवी सीरियल वाले से बोलना चाहता हूँ, तुम लोग यूट्यूबर्स को यूट्यूबर नहीं बोल सकते, ट्यूबर्स क्यों बुला रहे हो? ऐसे हम भी बुलाएंगे टीवी एक्टर को भी एक्टर करके। एंड तुम लोगों को पता है यूट्यूब बेस टिकटॉक के बारे में, एक यूट्यूबर्स के वजह से पूरा टिकटॉक बैंड हो गया। अब ये ना हो तुम लोग यूट्यूबर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलो कि दूसरे दिन न्यूज आया बिग बॉस खत्म। तो बॉयस किसी के बारे में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो भाई मानकर माफ कर देना। तो बॉयस एंड गाइस जो भी हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक के बारे में बोलना पड़ेगा क्या, कर दो यार। तो बॉयस बाय। तो कुछ दिन से मेरा एग्जाम था तो इसलिए मैंने वीडियो का तैयारी नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे को लेट में देना पड़ रहा है। लेकिन कोई ना, आपसे मैं सोचा डेली 2 शॉर्ट वीडियो करके दूंगा मैं चैनल पे। तो बाय।